हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। मैं हूं आपका फ्रेंड जगत। आज हम बात करने जा रहे हैं नियरेस्ट के बारे में। नियरेस्ट ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लेवल में आता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यही क्वेश्चन निकटतम से संबंधित क्वेश्चन बन करके आता है। तो देखते हैं कैसे हम नियरेस्ट निकालते हैं। टेंस है आपका हंड्रेड्स है, थाउजेंड है, टेन थाउजेंड है, लाख है, टेन लाख है, करोड़ है, टेन करोड़ है, कोई भी निकालना हो आप एक समझ लीजिए और बाकी सब आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है ना। चलिए देखते हैं। एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टेंस लिखा है, नियरेस्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं, आप काउंट करना शुरू करेंगे। वंस टेंस, हम पीछे से काउंट करते हैं, वंस टेंस। तो टेंस हमारा कौन हुआ, ये पूछ भी रहा है नियरेस्ट टेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, जिस जो भी पूछ रहा होता है हंड्रेड टेंस थाउजेंड जो भी पूछेगा उसको हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टिक कर लेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। सिक्स लिखा हुआ है, इसका रूल ये होता है अगर जीरो टू फोर हो तो उसको चेंज करके हम जीरो लगा देते हैं और एक्स्ट्रा कुछ प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही फाइव से लेकर के नाइन के बीच की कोई डिजिट है तो हम सारी डिजिट जो है वो जीरो तो कर देते हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है, जैसे यहां पर आप देखेंगे टेंस पूछा जा रहा है तो ये टेंस है तो इसी में प्लस कर देते हैं जब फाइव से लेकर के नाइन के बीच की कोई डिजिट होती है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर प्लस वन कर देते हैं, और जब जीरो से फोर तक होता है तो हम कुछ प्लस नहीं करते, सिर्फ जीरो लगाते हैं। और नाइन फाइव से लेकर के नाइन के बीच में अगर कोई भी डिजिट है तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसके पीछे के जितने होते हैं सारे जीरो बनते चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है हम उसमें प्लस वन कर लेते हैं और इसमें हम प्लस नहीं करते हैं, बस इतना सा है। जीरो इसमें भी करना है और जीरो इसमें भी करना है। कितने डिजिट को जीरो करना है, जहां आप का पूछा जा रहा है टेंस पूछा जा रहा है तो टेंस के पीछे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। हंड्रेड आपका पूछा जाएगा तो हंड्रेड के पीछे जितने डिजिट है सारे के सारे जीरो हो जाती हैं, और जिस पर पूछा जा रहा होता उसमें प्लस वन होगा तब जब फाइव से नाइन के बीच में कोई डिजिट होगी, है ना। और कौन सी डिजिट फाइव से नाइन के बीच में जीरो से फोर के बीच में होती है ये आप पे डिपेंड करता है, जो पूछा जा रहा हो उसके बगल वाली यानी कि जस्ट पीछे वाली डिजिट, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टिप्स आप समझ सकते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टेंस पूछा जा रहा है, टेंस के जस्ट बैक पीछे क्या दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है। तो सिक्स क्या आता है आपका, फाइव और नाइन के बीच में आता है ना, तो होगा क्या ये सिक्स तो जीरो हो जाएगा, और जितनी डिजिट होती है अगर तो वो भी जीरो हो जाती है ना। तो सिक्स का जीरो हो गया, अब ये सिक्स जो है फाइव और नाइन के बीच में आता है तो हम प्लस वन करेंगे, और किसमें प्लस वन करेंगे, जिसका पूछा जा रहा है टेंस का पूछा जा रहा है तो टेंस में ही प्लस वन करेंगे। तो फाइव है, फाइव में वन प्लस कर दे तो कितना हो जाता है, सिक्स हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप देखेंगे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, नियरेस्ट हंड्रेड। तो चलिए पहले हंड्रेड पे जाते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे गए। अब हंड्रेड पे मैंने क्या किया, छोटा सा एरो बना लिया समझने के लिए अपने, और हंड्रेड के जस्ट पीछे क्या आपको दिखाई दे रहा है, थ्री दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां तक फोर के यानी कि हंड्रेड आपका फोर है, फोर के पीछे वाले तो सारे जीरो हो जाने हैं, फोर के पीछे वाले सारे जीरो हो गए, और थ्री पे मतलब जस्ट हंड्रेड की डिजिट के पीछे वाली डिजिट पे यानी कि थाउजेंड में थाउजेंड की डिजिट के पीछे वाली डिजिट पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना है, जीरो से फोर के बीच में है या फिर फाइव से नाइन के बीच में है। तो फाइव से नाइन के बीच में तो थ्री आता नहीं है, थ्री आता है जीरो से फोर के बीच में। तो आपको क्या करना है, जीरो कर देना है सारे, लेकिन प्लस में कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, इन दोनों को कर दिया जीरो और फोर को फोर ही रखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि टेंस पूछ रहा था तो टेंस के पीछे वाली डिजिट को ही देख करके हमने क्या किया, फाइव में वन प्लस किया, क्योंकि ये डिजिट देखी जाती है जो पूछा जाता है जस्ट उसी के पीछे वाली, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब जो थाउजेंड्स है तो पहले तो हम थाउजेंड पे जाते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। थाउजेंड्स पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरो लगा लिया, ठीक है, एक एरो लगा लिया।
ये तो सारी के सारे जीरो हो जानी है, 1 2 3 ये जो डिजिट हमारी दी हैं ये तो जीरो हो जाएंगी। लेकिन हाँ, 8 में प्लस होगा 1 या नहीं होगा ये फैसला कौन करेगा, ये करेगा 4। 4 की वजह से ये पता चलेगा कि 8 में कुछ प्लस होगा या नहीं होगा। अब 4 क्या है, देखिए 0 से 4 के बीच में कुछ प्लस नहीं करना है आपको, 0 तो हो जाना है लेकिन प्लस कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, ये तीनों जीरो हो गए और आप 8 कर दोगे, लेकिन यहां पर जहां पर 4 लिखा है वहां पर 5 6 7 8 9 कुछ भी होता, तो हम 8 को 9 बना देते, एक और एक्स्ट्रा बना देते, तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नियरेस्ट 10,000, तो पहले तो भैया हम 10,000 पे चलेंगे। ठीक है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 को मैंने एरो से इंडिकेट कर लिया ताकि हम भूले नहीं, कभी भी ऐसे हो पेंसिल से कर ले। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये तो हमारे जीरो हो जाएंगे, उसके पीछे वाले सारे मैंने जीरो बना लिए। अब बात ये है कि आपका ये जो 7 है 7 ही रहेगा या इसमें प्लस 1 किया जाएगा, तो प्लस 1 तभी किया जाता है जब 5 और 9 के बीच की कोई डिजिट हो। तो ये जो आप देख सकते हो यहां पर 7 के पीछे आपका 3 दिया हुआ है जो 0 और 4 के बीच में आता है, हम कुछ प्लस नहीं करेंगे तो 7 का 7 ही उतार देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नियरेस्ट लैक, तो पहले तो लैक पे जाते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, तो लैक को इंडिकेट कर दिया। अब लैक के पीछे वाले सारे जीरो हो गए, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, चलिए तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो मैंने बना लिए। अब सवाल ये उठता है, ये जो 1 है इसमें प्लस 1 करेंगे या नहीं, जस्ट उसी के पीछे आप देखिए क्या लिखा है, 5। आप देखेंगे कि 5 और 9 के बीच में जीरो तो हो ही जाना है लेकिन प्लस 1 होता है, और प्लस किस में होता है, जो क्वेश्चन होता है उसी में 1 प्लस होता है। जैसे लाख में क्वेश्चन है तो जो लाख पे आ रही है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो लाख पे आया आपका 1, तो आप 1 में ही 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2। इसी तरह से आपका अगर 10 लाख हो तो आप बढ़ जाइए, 10 लाख पे एरो बनाइए, तो 10 लाख के पीछे जितनी डिजिट हो सबको जीरो कर देना है, और 10 लाख के बगल में अगर कोई डिजिट है जो 0 से 4 के बीच में है तो आपको कुछ प्लस नहीं करना है, 10 लाख वाली डिजिट को आपको सिर्फ वैसे ही लिख देना जैसे लिखा है, लेकिन अगर 5 6 7 8 9 हो तो आपको 1 प्लस करके लिख देना है। ठीक है, ये था आपका नियरेस्ट का, जो बहुत बहुत ही सिंपल है, आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है आपको, कुछ खास नहीं ध्यान रखना है। खास क्या है कि टेंस पूछे, टेंस पे एरो बना के टेंस के पीछे वाले सारे जीरो कर देना है। हाँ, अब टेंस वाली डिजिट को क्या करना है, प्लस 1 करना है या नहीं करना, ये कौन बताएगा, जस्ट उसके बगल वाली, वो बताएगी कि हम अब क्या 5 और 9 के बीच में है, तो जिसको पूछा जा रहा है उसी में आपको प्लस 1 करना है। ये नहीं कि आपका नियरेस्ट 100 पूछ रहा है तो आप 3 में प्लस कर दो, नहीं, उसी में प्लस करना है, लेकिन प्लस किसकी वजह से करना होता है, जो पूछे उसके जस्ट पीछे वाली से हमको पता चल जाता है कि हमको 1 प्लस करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सवाल, यानी कि कंसेप्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया नियरेस्ट का चैप्टर। तो बच्चों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और अच्छा करें, मैथ की क्लासेस और आपके लिए लेकर आए, तो आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या नहीं आता है, हम आपके लिए बेशक प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए जगत क्लासेस, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।